जब आपकी शादी हो रही होती है, इवेंट होता है, आप अच्छा, हम दोनों की तबीयतें खराब थी, हम दोनों तबीयत हमारी खराब थी शादी के वक्त, और हम लोग बहुत इतने ड्रेन थे, हमें खुद पता नहीं था कि हम क्या करें। जिस दिन शादी थी, तीन दिन पहले तक, चार दिन पहले तक शूट कर रहे थे, और उस वजह से कि बहुत सारा कुछ हो रहा था, तो बोथ फेल इनको भी बुखार, मुझे भी मैं बुखार। जिस दिन हमारे निकाह था, रुखसती थी मैंने लिटरली, मैं मेरा टाइम था नबीलास पे अराउंड 1, और मैं वहाँ पहुँची हूँ 5 बजे, जबकि 7 बजे हमें पहुँचना था, और मैं यूं थी, और मैंने कहा कि अगर मेरी शूट होती आज मैं ना जाती। इसने कहा मेरी अगर शादी ना होती ना, मैं अगर मेरी शादी ना होती, सीरियसली, क्योंकि मैं यूं बेड पे जिस हालत में पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं नहीं उठ सकती। अच्छा, ये फिर तुम लोगों ने शादी कितने अरसे बाद डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ शूट कुछ अच्छा ऐसा? थोड़े टाइम बाद, आई थिंक। अच्छा, एक तो हमारा फोटोग्राफर अब्दुल समद जिया, उन्होंने बहुत अच्छा फोटो शूट किया, उन्होंने बनाई है। उनका आइडिया। अच्छा, एक और वीडियो है जो कि हमारी गाड़ी वाली वीडियो है, वो भी बड़ी वायरल है, जो हम शादी, अरे देखी, यस, वो हम जा रहे हैं रुखसती के लिए जा रहे हैं हम लोग, और ये एक्सप्रेशन होने चाहिए। आजकल नेगेटिव एक्सप्रेशन तो लाउड होते हैं, लेकिन ये वाले एक्सप्रेशन जरूरी हैं जिंदगी के। वो भी इज अ स्टोरी। हम लोग नबीला से, क्योंकि निकाह हो गया था हमारा, तो हम लोगों ने साथ में एंट्री करनी थी, तो ही केम टू पिक मी अप, के इनकी अम्मा वहीं भी थी, और ही केम टू पिक मी अप, तो हमारा फोटोग्राफर आया, क्योंकि हमारे पास कोई वेन्यू नहीं था सिर्फ फोटोशूट करने के लिए, तो उन्होंने कहा हम नबीलास में करेंगे, सो दैट वाज द रीजन ही केम। अच्छा, अब हम वहाँ पे गए और आके उन्होंने कहा चलें गाड़ी में बैठ जाएं, ऐसी बातें करते रह जाएंगे। हमने कहा क्या बातें करेंगे, तो एक उनके साथ उनका कैमरामैन था, उन्होंने कहा कि अच्छा बताया हम लोग मिले कैसे। हमने कहा सबको पता है, यानी निदा यासर गाड़ी की वो बन गई। अब सब क्या जवाब दी, मैं तो वीडियो थोड़ी सी दिखाती हूँ, फिर उसका किस्सा सुनते ताकि लोग रिलेट हो रही है कि 2 मिनट दे दें, वो कह रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बता देते हैं और फिर उसके आगे भी बताएंगे जब तक वो अपलोड हो रही है। तो अच्छा, हमने तो उन्होंने आपको कहा सवाल जवाब? नहीं नहीं, उन्होंने ड्राइव कर रहे थे वो। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अच्छा बताएंगे कैसे मिले, क्या मिले कैसे मिले, आई सॉ हिम और ये यूं हुआ, और वीडियो भी कोई बना, वीडियो उनके साथ ही बैठा हुआ बंदा था, उसके हाथ में कैमरा था, एक सवाल किया उसने कैसे मिले, हम लोग शुरू हो गए और हम जब तक पहुंचे नहीं, और हम लोग शुरू 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 बोलते गए हम लोग, और हम जब तक वहाँ पहुंचे हैं तो वो सारा उन्होंने, लेकिन एडिट बहुत अच्छी हुई है और सारी चीजें इमोशंस हैं उसके अंदर। जब हमने बाद में देखी और उन्होंने कहा कि लेट्स पोस्ट दिस गाइस, एंड आई सॉ इट, आई वाज लाइक नहीं करनी। हमने कहा नहीं करनी, हम दोनों ने कहा कि नहीं करनी। हमने कहा क्योंकि बहुत पर्सनल सी थी वो थी। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा पता कर देते हैं, मैंने कहा हमारे पास है आज। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे पुराने ज़माने में ना कैमराज होते थे, रील में पिक्चर निकलती थी, वो आपके पास सेव होती थी। अब आपके पास फोन्स हैं, वो चली जाती है, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स चली जाती हैं, वो मिलती भी नहीं है। सही, लेकिन लेट्स सेव दिस, तो जब ये कहीं पे भी पोस्ट होगी तो ये हमेशा रहेगी रहेगी मतलब वो पेंट्स का भी आप वाली बात के एक्सप्रेशन ऑफ लव भी थोड़ा लाउड होना चाहिए। एग्जैक्टली, और आजकल ज़रूरत है यार। पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सारा और फलक की मिसाल देती हूँ, अब वो गुलाब का फूल देता है, बहुत सारे मियाँ कहेंगे क्या है भाई ये तो हम नहीं, लेकिन बहुत सारे कपल्स ने सीखी चीज, सो क्यों नहीं फिर वो आरएस और लिबास से सीखे। नहीं, वो टैबूज बहुत तोड़ने की जरूरत है कि आप पब्लिकली अपनी बीवी या शौहर के साथ आप मोहब्बत जता सकते हैं। एयरपोर्ट पे मैं हमेशा इससे बात करता हूँ कि शौहर हर किसी से मिलेगा सवाई बीवी के, है ना, जब बाहर करके आए हैं, सबसे मिला, बड़ी याद आई वो, और बीवी नहीं जा रहे साल भर के लिए कोई चाइना या कोरिया, तो मिल के चला जाए, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही आपने बात पकड़ी कि ये एक्सप्रेशन लाउड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज में इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है कि जरूरी है कि आप अपनी दूसरी एक दूसरे की मोहब्बत दिखाएं, दूसरा कुछ मतलब आप रोड पे, अच्छा और सीरियस नोट, रोड पे कोई किसी को मार रहा होगा तो हमारे यहाँ कि अच्छा वीडियो बन जाएगी, लड़का झगड़ा है मार रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी को ऐसे प्यार से हग भी करोगे दिल में ओ वो देखो किस तरीके से करे, ओ दैट्स अ थिंग आई थिंक थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि खुद भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन, सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।